नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। सुबह के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने DRDA सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक। विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा। बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ के हत्थे चढ़ी महिला, लोगों ने जमकर की पिटाई। सिटी SP ने कार्रवाई की कही बात। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि से दियारा क्षेत्र के लोग भयभीत। कभी भी फूट सकता है बाढ़ पीड़ितों का आक्रोश। जितिया पर्व को लेकर गंगा घाटों पर उम्र श्रद्धालुओं की भीड़। नहाय खाए के साथ व्रत हुआ शुरू। और TNB कॉलेज में अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। विजेता और उपविजेता टीम को अतिथियों ने किया पुरस्कृत। और अब खबर विस्तार से। सुबह के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल और सचिव विवेक कुमार सिंह शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे, जहां मंत्री ने DRDA सभागार में भागलपुर और बांका के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने ऑनलाइन मोटेशन, लगान वसूली, अतिक्रमणवाद, दखल दहानी, अभियान बसेरा, सरात बंदोबस्ती और जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली और समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में आयुक्त वंदना कीनी, DM प्रणव कुमार, बांका DM कुंदन कुमार, भागलपुर और बांका के DCLR, सभी CO और बंदोबस्त पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर प्रमंडल की आज समीक्षा बैठक में हमारे विभाग के प्रधान सचिव सह अपर मुख्य सचिव श्री विवेक कुमार भागलपुर मुंगेर के मंडलीय आयुक्त, भागलपुर बांका के दोनों जिलाधिकारी, सभी एडिशनल कलेक्टर, सभी DCLR, सभी CO की बैठक हुई। विभाग के कार्यों में गति पकड़े इसके लिए हम लोगों ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को भी निर्देशित किया है इस सौ समय सारे कार्य निष्पादन किए जाए। ये ऑनलाइन मोटेशन, ऑनलाइन लगान, ये सब आम जनों से जुड़ा हुआ काम है। लोगों को परेशानियां कम से कम हो, यह कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है कि भूमि विवाद के कारण केसेस बहुत हो रहे हैं। सब भूमि का विवाद तो सब समाप्त तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन उस दिशा में हमारी विभाग पूरी ताकत क्षमता के साथ लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग की बैठक भी हो रही है। आगे कार्य हो रहा है, कार्य बढ़ भी रहा है। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। भागलपुर में बच्चा चोरी की अफवाह जोर शोर से फैल रही है और लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं। गुरुवार को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में दो जगहों पर लोगों ने बच्चा चोरी के शक में दो महिला को पकड़ लिया, जिसमें एक महिला को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया, वहीं दूसरी महिला की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल गुरुवार की रात नूरपुर इलाके में एक वृद्ध महिला को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया, जिसके बाद देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग महिला की जान लेने पर तुल गए। इस दौरान लोगों ने वृद्ध महिला की जमकर पिटाई कर दी। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नूरपुर में रतन राय नामक व्यक्ति के घर में महिला घुस गई। महिला को घर के अंदर देखते ही घर वालों ने बच्चा चोर कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चा चोर की शोर सुनकर लोग मौके पर जुट गए और महिला की पिटाई शुरू कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नाथनगर और मधुसूदनपुर पुलिस ने महिला को भीड़ से निकालकर थाने ले आई। वहीं पूरे मामले को लेकर CT SP सुशांत कुमार सरोज ने मारपीट की घटना में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। फर्स्ट तो कान दर्ज किया गया है, जो महिला से इलाज चल रहा है, और हम लोग सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से भी पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास ये भी है कि गांव-गांव घूम के, पंचायत पंचायत घूम करके एक मीटिंग रखें, शहर में वार्ड है, वार्ड में मीटिंग रखें और लोगों को अवेयर करें। और आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे
यदि ऐसी कोई महिला दिखती है या पुरुष दिखता है, शक होता है, तो वहाँ उन्हें डिटेन कर लें, खबर करें पुलिस को, हाथ में कोई कानून न ले, पिटाई न करें। तेजी से बढ़ रहे जलस्तर के कारण भागलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। दियारा समेत नाथनगर और सबौर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं बाढ़ के कारण शंकरपुर, दिलदारपुर, बेरिया, रत्तीपुर समेत कई इलाका प्रभावित हो गया है और करीब 10,000 की आबादी परेशान है। दियारा इलाके के लोग जान बचाकर नाव के सहारे सुरक्षित स्थान पर पलायन कर रहे हैं। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीछे तक बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। साथ ही PNA और सिटी कॉलेज भी बाढ़ के पानी से घिर चुका है। वही गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण दियारावासी के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी है। ग्रामीणों ने टिल्हा कोठी परिसर में तंबू गाड़ दिया है। बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि पिछले 4 दिनों से जिला प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं प्रभावित लोगों ने 24 घंटे के भीतर 9 हेल्थ कैंप और भोजन की व्यवस्था नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बहुत नतीजा बहुत अभाग हो रहा है, सब चीज के दिक्कत हो गए, माल जाल आदमी के सब के दिक्कत, पूरा दिक्कत। परेशानी तो हो रहा है सर कि अभी तक हमारे ग्राम में कोई अधिकारी घूर के नहीं आए हैं, न नाव का व्यवस्था है, न खाने पीने का व्यवस्था है, जन व्यस्त सब हम लोग परेशान में पड़े हुए हैं। ये तो परमात्मा के दया है जो कि हम लोग किसी भी तरह से समय काट रहे हैं, लेकिन बहुत तकलीफ है। दिक्कत है कि अभी तक प्रशासन की ओर से सर एक भी कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ है, और हम लोग जो है बाढ़ में आज 4 दिन से पानी में ऐसे पड़े हुए हैं, नहीं नाव की व्यवस्था है और नहीं कोई भोजन का व्यवस्था है, नहीं कहीं ठहरने का व्यवस्था है, और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग रोड पर खुले उतर जाएंगे। हमारे आज 5 दिन से CO साहब को फोन कर रहे हैं कि हमको नाव का व्यवस्था दीजिए, हमारे मवेशी रहने का व्यवस्था दीजिए, लेकिन CO साहब बोलते हैं कि कल पानी घट जाएंगे, इसलिए कि टिल्ला कोठी पर कोई व्यवस्था नहीं है। इतना तक बोले कि आप हमको नाव का व्यवस्था दीजिए, तो CO साहब बोले कौन जी का आपके गांव में 2 नाव दे चुके हैं, लेकिन वो 2 नाव अगर दे दिए हैं तो हर जनता से 10 रुपया नहीं लिया जाता है। पुत्र की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाने वाला जितिया पर्व शुक्रवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। सुबह से भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना की। जितिया पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पर्व को लेकर बांका के मंदार पर्वत स्थित पापहरणी सरोवर में स्नान के लिए महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही सरोवर में महिलाओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की। जितिया पर्व को लेकर पंडित अशोक पाठक ने कहा कि पापहरणी में स्नान का विशेष महत्व है। भागलपुर TNB कॉलेज की मेजबानी में 2 दिनों तक चलने वाली इंटर कॉलेज बैडमिंटन, खो खो और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। खेल प्रतियोगिता का आयोजन एथलेटिक्स यूनियन की ओर से किया गया था। वहीं विभिन्न प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता टीम को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद, प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, नगर विधायक अजीत शर्मा, MLC डॉक्टर NK यादव और भूष्टा अध्यक्ष डॉक्टर DN राय ने संयुक्त रूप से ट्रॉफी, शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। एथलेटिक्स यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर मुश्फिक आलम ने कहा कि बैडमिंटन महिला वर्ग का मैच SM कॉलेज ने जीता, जबकि खो खो, बैडमिंटन और वॉलीबॉल मैच में TNB कॉलेज विजेता बना। वहीं अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मौके पर डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर श्वेता पाठक, मोहम्मद अकरम खान समेत कई खेल प्रेमी मौजूद थे। आज जो है मैंने बताया कि 3-4 विधा का फाइनल था, बैडमिंटन वीमन, बैडमिंटन मैन, खो खो मैन और वॉलीबॉल मैन। बैडमिंटन वुमन में SM कॉलेज ने मैच जीता, बैडमिंटन मैन ने TNB कॉलेज ने मैच जीता, खो खो में TNB कॉलेज ने मैच जीता और वॉलीबॉल में भी TNB कॉलेज ने मैच जीता। इस दफ़ा पहली बार TNB कॉलेज ने तीनों टूर्नामेंट का आयोजन एक ही साथ किया था, और ये हम लोगों के लिए एक तरह का एक्सपेरिमेंट था कि कैसे कम समय में कम खर्च पर हम लोग अच्छे से अच्छे तरीके से आयोजन कर सकें। बदलते परिवेश में अपढ़ाई के साथ छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण का कार्यक्रम स्कूलों में चलाया जा रहा है। शुक्रवार को भागलपुर के मोक्षदा स्कूल में 7 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन नगर विधायक अजीत शर्मा और प्रशांत विक्रम ने दीप जलाकर किया। इस दौरान विधायक ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के परिवेश में कराटा प्रशिक्षण आत्मरक्षा का महत्वपूर्ण अस्त्र है। वहीं छात्राओं ने प्रशिक्षक की मौजूदगी में कराटा का प्रदर्शन मौजूद अतिथियों के बीच किया। कार्यक्रम
कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य विनोद कुमार चौधरी ने की। इस मौके पर रविशंकर पांडे, डेजी कुमारी सहित स्कूल शिक्षिका एवं छात्राएं मौजूद थी। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस सह भागलपुर के निरीक्षी जज संजय कुमार शुक्रवार को नगछिया कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वकीलों को जज के साथ मिलकर ईमानदारी एवं संवेदनशीलता के साथ काम करने की बात कही। वहीं वकीलों ने कोर्ट परिसर में बैठने की समस्या से अवगत कराया, जिसका उन्होंने जल्द समाधान कर लेने की बात कही। इसके बाद निरीक्षी जज संजय कुमार कहलगांव कोर्ट का निरीक्षण करने प्रस्थान कर गए। इस मौके पर न्यायालय कर्मी और अधिवक्ता मौजूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिलेक्ट टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथनगर के सीटीएस रोड स्थित मुनीलाल राम खेतान मध्य विद्यालय का शुक्रवार को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मणिकांत गुप्ता ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के सभी दस्तावेजों और उपस्थिति पंजी की वारकी से जांच की। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य अनिल कुमार के द्वारा लाखों की राशि गबन करने की शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है और उसकी जाँच की जा रही है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हाँ, चेक के चल रहा है कि 186,358 रुपये का जो है विद्यालय में गबन हुआ है। तभी वर्तमान में जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं, इनके पूर्व का मामला है और वह अनिल कुमार राय जी पहले प्रधानाध्यापक थे, वो अभी निलंबित हैं। अभी निलंबन की प्रक्रिया उनका नहीं हुआ है। और इसके पूर्व भी वह मामला था, पूर्व प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापक रेणुका शर्मा, जिनका देहांत हो चुका है और उसका जांच भी हो चुका है। विकासशील इंसान पार्टी की बैठक देवी बाबू धर्मशाला भागलपुर में शुक्रवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रभारी वकील बिंद ने की। इस दौरान मुख्य रूप से पार्टी को सशक्त करने पर चर्चा हुई, साथ ही विकासशील पार्टी की विचारधारा को जन जन तक ले जाने पर मंथन हुआ। बैठक में जिला भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पार्टी को मजबूती प्रदान करने को लेकर कामदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि जल्द ही पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। मौके पर भागीरथ मंडल, दशरथ मंडल, मोहम्मद अबुल हसन, विनय सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। कहलगांव अनुमंडल के सनोखर में शुक्रवार को राजद की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रामविलास यादव ने किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों को राजद की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर संगठन प्रभारी पवन कुमार भारती, मुखिया शिव कुमार शाह, श्रीकांत यादव, जनार्दन यादव, दिनेश यादव सहित कई राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोगों का नेतृत्व के निर्देशानुसार सदस्यता अभियान का आज हम लोगों का शिविर लगाया है। हम लोग और शिविर के माध्यम से हम लोग हरेक प्रखंड के टोटल पंचायत में हरेक पंचायत में एक सदस्यता प्रभारी नियुक्त की है
दो जोन में बांट करके तीन तीन सदस्यता प्रभारी बना दिया गया है और आज हम लोग भी यहाँ सबकर बाजार में सदस्यता अभियान चला रहे हैं। इस वक्त स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर फोर बिहार बटालियन भागलपुर की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल MM कॉलेज के कैडेटों ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के नारे लगाए और लोगों को स्वच्छता का महत्व बताया। मेजर रजी इमाम के नेतृत्व में निकाले गए जागरूकता रैली में कैडेटों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण किया, साथ ही लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की। रैली में नीतीश कुमार, आशीष कुमार, शेख रजा, सोनी, काजल समेत दर्जनों कैडेट शामिल थे। भागलपुर पिपैथी से सटे सीमावर्ती क्षेत्र झारखंड के मेहरमा स्थित हिमालयन एकेडमी को DC के निर्देश पर SDO हरिवंश पंडित ने सील कर दिया। गौरतलब हो कि यौन शोषण के मामले में जारी ऑडियो और फोटो को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया था, जिसके बाद स्कूल के निदेशक अरविंद संथालिया और शिक्षिका सुधा सिन्हा पर पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जाँच के दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने स्कूल की छात्राओं से घटना के संबंध में जानकारी ली थी। यौन शोषण का मामला दर्ज होने के बाद से ही स्कूल के निदेशक और शिक्षिका फरार है। घटना के 2 माह बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बांका के बंदुआ कुरावा थाना क्षेत्र के फागा गांव में बच्चों के बीच खेलने के दौरान हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में रामजी पंडित को दूसरे पक्ष के अर्जुन ओझा, लड्डू ओझा और पवन ओझा ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया हरिहर यादव मौके पर पहुंचे और घायल रामजी पंडित को इलाज के लिए बौसी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना को लेकर रामजी पंडित की पत्नी रूबी देवी ने बताया कि कुछ दिन पहले बच्चों के बीच विवाद हुआ था, इसी को लेकर शुक्रवार को खेत से वापस घर आने के दौरान आरोपियों ने हमला कर दिया। इस दौरान घायल के शोर मचाने पर सभी आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी स्थानीय थाना को दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में चलाए गए डिजिटल इंडिया कैंपेन का असर सभी क्षेत्रों और बाजारों में दिख रहा है। लोग घर बैठे ही ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से जरूरत के सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बिना बाजारों के चक्कर लगाए ही अपने जरूरत और पसंद के सामान कम कीमत पर मिल जाते हैं। कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ घरेलू उपयोग की वस्तुओं के बाद अब ई फार्मेसी के माध्यम से हर तरह की मेडिसिन भी लोगों को घर बैठे ऑर्डर करने से मिल जाती है। भागलपुर में भी मेडलाइफ के अधिकृत विक्रेता गौरव जैन ने कहा कि मेडलाइफ के माध्यम से उपभोक्ता एकमात्र कॉल और व्हाट्सएप से 20% की छूट के साथ बिना किसी शुल्क के दवा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर की पूरी टीम जांच पड़ताल के बाद ही दवा मुहैया कराती है, जिससे किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो और नकली दवा के उपयोग से लोगों को बचाया जा सके। गौरतलब हो कि WHO और SOCHM की रिपोर्ट के अनुसार बाजारों में उपलब्ध दवाओं में 10-25% तक नकली दवाएं मिल रही है और नकली दवाओं का बाजार भारत में हजारों करोड़ का है। नकली और महंगी दवाओं का खामियाजा मरीजों एवं उनके परिजनों पर पड़ता है। इसी को देखते हुए मेडलाइफ ई फार्मेसी के क्षेत्र में लोगों की पसंद और जरूरत बनती जा रही है। कई लोगों में ये सवाल, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो इतने डिस्काउंट पे ये दे रहे हैं, कहीं ये दवा नकली तो नहीं है या इसकी एफिकेसी कम तो नहीं है? तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जो चैनल है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कस्टमर, तो ये चैनल के वजह से ये दवाइयाँ सस्ती हैं। नकली का सवाल इसलिए भी नहीं है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयाँ एक तो डिस्पेंस नहीं होती हमारे वेयरहाउस से, और जो जहाँ से ये डिस्पेंस होती है उस फार्मेसी का बाकायदा पूरा लाइसेंस नंबर, CIN नंबर और पूरा GST बिल फुल डिटेल के साथ आपको मिलती है, तो ये नकली का बिल्कुल सवाल नहीं होता है। कई लोग ये भ्रांति फैलाते हैं, कई ऑफलाइन वाले, कि ये नकली और ये सब, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है और दवाई बिल्कुल असली और बिल्कुल उसी मैन्युफैक्चरर से आती है जो आप ऑफलाइन में खरीदते हैं, उसी को आप ऑनलाइन से लेते हैं। फ्री होम डिलीवरी के साथ दिया जाता है 20% डिस्काउंट के साथ, ये एडेड बेनिफिट है। नमामि गंगे योजना के तहत भागलपुर के बरारी सिरी गंगा घाट पर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिदिन गंगा महाआरती का भव्य आयोजन किया जा रहा है। गंगा महाआरती में शामिल श्रद्धालुओं को मां गंगा की पवित्रता और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि गंगा महाआरती एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें संस्था पूरी निष्ठा के साथ जुड़ी है। वहीं धार्मिक संयोजक जटाशंकर मिश्रा ने कहा कि गंगा महाआरती के माध्यम से आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गंगा महाआरती में प्रतिदिन काफी संख्या में लोग शामिल होकर गंगा स्वच्छता का संकल्प ले रहे हैं। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर।
सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने डीआरडीए सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा। बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ के हत्थे चढ़ी महिला, लोगों ने जमकर की पिटाई, सिटी एसपी ने कार्रवाई की कही बात। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि से दियारा क्षेत्र के लोग भयभीत, कभी भी फूट सकता है बाढ़ पीड़ितों का आक्रोश। जितिया पर्व को लेकर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, नहाय खाए के साथ व्रत हुआ शुरू। और टीएनबी कॉलेज में अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन, विजेता और उपविजेता टीम को अतिथियों ने किया पुरस्कृत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।